दोस्तों वार 2 यानी कि दो स्टारों की सबसे बड़ी भिड़ंत, लेकिन बात वार 2 की है तो यहाँ पर हो सकती है तीन स्टारों की भिड़ंत, या तो वार 2 में तीन स्टार दिख जाए और यदि वो रहे तीन मेगा एक्टर्स यानी कि ऋतिक, टाइगर और प्रभास, या तो वार 2 एक ऐसी फिल्म है जिसे कि यहाँ बड़ा नहीं बल्कि काफी ज्यादा बड़ा बनाया जाएगा और जैसे कि इसी कारण से यहाँ इस फिल्म में लिए जाएंगे काफी बड़े स्टार्स भी। तो उसमें जहाँ एक तरफ वार 2 में ऋतिक तो लगभग पक्के ही है, उसमें वार 2 में हमें यहाँ पर ऋतिक की धाक जमती दिखेगी, लेकिन जैसे कि अब यहाँ वार 2 में टाइगर के रहने की उम्मीदें भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, और उसमें यदि वार 2 में ऋतिक और टाइगर नहीं रहे तो उसमें तो ऋतिक वर्सेस टाइगर के फैंस के लिए नाइंसाफी होगी, क्योंकि जैसे कि ऋतिक वर्सेस टाइगर ही वार की पहचान बन गए हैं। लेकिन जैसे कि वार 2 में कुछ नया करने के लिए यहाँ पर जरूरत होगी एक बड़े और मेगा स्टार की, तो उसमें यहाँ पर हमें दिख सकते हैं प्रभास। जैसे कि पिछले काफी वक्त से यहाँ पर सुनने को मिल रहा है कि वार 2 में यहाँ पर प्रभास जैसे एक बड़े स्टार को लिया जा सकता है, क्योंकि जैसे कि प्रभास के वार 2 से जुड़ने से ये फिल्म तो काफी ज्यादा बड़ी हो ही जाएगी। साथ ही जैसे कि प्रभास के फिल्म होने के कारण यहाँ पर साउथ में भी ये फिल्म काफी बड़ा कमाल कर सकती है। इसमें उसके एक ही फिल्म में तीन मेगा एक्शन स्टार्स ऋतिक, टाइगर और प्रभास को एक साथ देखना तो यहाँ पर रहेगा सबसे कमाल का। और जैसे कि इन तीनों स्टारों का नाम एक साथ लेते ही यहाँ पर तो ये भी कहा जा सकता है कि ये फिल्म होगी सबसे दमदार एक्शन फिल्म। और जैसे कि इस फिल्म का डंका तो इंडिया में नहीं बल्कि यहाँ हॉलीवुड में भी बजता दिख सकता है। तो जैसे कि देखने को मिल रहा है कि यशराज फिल्म जो कि यहाँ काफी बड़ी बड़ी फिल्में बनाने के मूड में है, जैसे कि उम्मीद है कि वार 2 को भी काफी ज्यादा बड़ा बनाया जाएगा। और समय जाए एक तरफ ऋतिक टाइगर एक बार फिर से हमें धूम मचाते दिख सकते हैं, लेकिन जैसे कि यदि यहाँ इस फिल्म में प्रभास जैसा एक बड़ा स्टार भी जुड़ जाता है तो यहाँ ये तो पक्का हो जाता है कि ये फिल्म हर तरफ स्ट्रॉम ले आएगी। इसमें तो क्या आप भी वार 2 में देखना चाहेंगे तीन बड़े स्टारों को आपस में भिड़ते हुए? साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लक्ष्य कमेंट जरूर करें।